नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्नो वर्ल्ड में। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ नकारात्मक सोच। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि यदि जिंदगी में हमें सफल होना है तो सबसे पहले हमें अपने दिमाग से नकारात्मक सोच को निकालना बहुत जरूरी होता है। नकारात्मक सोच एक ऐसा भाग होता है जो हमें कभी भी जिंदगी में बढ़ने से रोकता है। अब हमारे मन में एक सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब कोई हम काम करने जा रहे होते हैं तो हमारे मन में तुरंत नकारात्मक और सकारात्मक सोच आती है। तो आइए अब नकारात्मक सोच के बारे में जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जब हम कोई भी काम करने के लिए फैसला लेते हैं तो हमें उस काम में होने वाले लाभ और हानि को सोचकर हमारे मन में नकारात्मक सोच अपने आप आ जाती है। दोस्तों, हमारे दिमाग की बनावट ही ऐसी है कि हमारे मन में सकारात्मक और नकारात्मक सोच दोनों एक साथ आते हैं। ऐसा इसलिए होता है, हर चीज के दो पहलू होते हैं। ठीक ऐसे ही हमारा दिमाग भी अच्छा और बुरा दोनों का परख करता है। नकारात्मक सोच एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके चलते कोई भी इंसान चाहे कितनी सफलता पा ले, लेकिन उसके मन में नकारात्मक सोच का विचार जरूर आता है। यह एक नेचुरल प्रक्रिया है, लेकिन हम यदि अपने नकारात्मक सोच पर कंट्रोल कर ले तो निश्चित ही कोई भी काम, चाहे कितना बड़ा क्यों न हो, हम सभी उसे जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, नकारात्मक सोच छोड़ें और जीवन को सफल बनाएं। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो। यकीन करते रहे और इसी तरह की जानकारी लेने के लिए देखते रहे टेक्नो वर्ल्ड, और कृपया करके सब्सक्राइब और शेयर करें हमारा चैनल। धन्यवाद।